फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको पहली सोनोग्राफी, पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए और उसके क्या क्या रीजन है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस को बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब आपको पहली सोनोग्राफी कब करानी चाहिए, पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए? तो देखिये, अगर आपका आज की डेट में पॉजिटिव आया है तो आपको आज ही इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए सोनोग्राफी के लिए। आज नहीं जा पा रही है, कल जाइए, परसों जाइए, बट इमीडिएटली पॉजिटिव आने के बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। अब ये रीजन क्यों है इतने अर्ली? बहुत ज्यादा जगहों पे ऐसे बोला जाता है कि अरे अभी तो तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव आया, इतनी जल्दी क्यों अल्ट्रासाउंड कराना है, क्या फायदा है उस अल्ट्रासाउंड का? तो देखिए, उस अल्ट्रासाउंड के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है, जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आना इट्सेल्फ में एक बहुत ही गुड न्यूज है। बट वो गुड न्यूज तब है जब वो प्रेगनेंसी की जो लोकेशन है वो परफेक्ट हो, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में हो, महिला के यूट्रस में हो, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, किसी और लोकेशन पे ना हो। कई बार होता है ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है, ओवरी में रह जाती है, या बहुत सारी अलग अलग जगहों पे रह सकती है। तो ऐसा ना हो कि वो प्रेगनेंसी नॉर्मल पोजीशन पे ना हो, क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होती और आप अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, वो प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो उसमें जो ट्यूब वगैरह है वो फट सकती है और महिला की जान तक को खतरा हो सकता है और वो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए लोकेशन परफेक्ट और लोकेशन को सही है या नहीं है प्रेगनेंसी की, उसके लिए इमीडिएटली जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए आप अल्ट्रासाउंड कराइए और उसमें पता चल जाता है कि कहां पर है पोजीशन। दूसरा, उस अल्ट्रासाउंड में हमको जो है बेसिकली सैक मिल जाता है, पता चल जाता है कि उसके अंदर फीटल पोल आया है या नहीं आया है, बच्चा आया है या नहीं आया है, या उसके अंदर बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है। अब कई बार ऐसा होता है कि महिला पांचवें हफ्ते में, छठे हफ्ते में चली जाती है, तो कई बार इतनी जल्दी बच्चे की धड़कन नहीं आती है, तो हम उस केस में 10 से 15 दिन बाद बोलते हैं दोबारा से रिपीट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जिस दिन आपकी टेस्ट पॉजिटिव आए आपको इमीडिएटली उसी दिन जाना है, जिससे कि लोकेशन प्रेगनेंसी की एकदम कंफर्म हो जाए। मान लीजिए कि उस दिन बच्चे की धड़कन नहीं भी आई है और आप ये सोचे कि अभी तो इतना अर्ली है, पांचवा हफ्ता ही है, मेरी हो सकता है धड़कन नहीं आई हो तो मैं वेट करूं, लेकिन हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो, वो यूट्रस में ना हो, और अगर आप वेट करें तो वो दूसरी जगह ग्रो करके आपकी जान के लिए खतरा बन जाए। तो इमीडिएटली जैसे ही पॉजिटिव आए वैसे ही आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब कई बार कई महिलाओं का क्या होता है कि पीरियड्स की डेट ऊपर नीचे होती है, फिक्स नहीं होती है, तो पीरियड्स ना आने की वजह से कई बार कंफर्म नहीं होता है कि ये प्रेगनेंसी ही है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी कई बार फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं, तो उस केस में फिर महिलाओं को अगर आप अर्ली अल्ट्रासाउंड पीरियड में सोने के बाद कराती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म भी वो अल्ट्रासाउंड से हो जाती है। दूसरा एक और चीज़ की जब आप इतनी जल्दी अर्ली आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उसमें अगर आपकी ओवरीज में कहीं कोई सिस्ट है या कोई दिक्कत है या यूट्रस में कोई बनावटी दिक्कत है जो आगे जाके बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर सकती है, या आपका यूट्रस सही कंडीशन में है, इस कंडीशन में है कि वो उस प्रेगनेंसी को आगे तक ले जा सके, सफल रहे वो प्रेगनेंसी, तो वो सब भी हम पहले अल्ट्रासाउंड में ही डॉक्टर्स उसको चेक कर लेते हैं अच्छी तरह और आपको उसके अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम फर्स्ट वो कराते हैं अपना अल्ट्रासाउंड तो उससे हमारी जो डिलीवरी डेट है, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है, वो भी आपको पता चल जाती है, जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वाली मानी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लास्ट पीरियड की जो डेट है फर्स्ट डे से, उसी से कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि कई महिलाओं का क्या होता है पीरियड्स इररेगुलर होता है तो उनकी डिलीवरी डेट को सही से बता पाना मुश्किल होता है। तो जो अल्ट्रासाउंड में, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में डेट आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे आपकी डिलीवरी की डेट भी डिसाइड की जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर आप जिस दिन टेस्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तभी आप जाइए डॉक्टर के पास और इमीडिएटली अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। ये अल्ट्रासाउंड
कई बार होता है कि डॉक्टर ट्रांस वजाइनल प्रोब के थ्रू करते हैं, मतलब आपकी योनि में एक प्रोब जैसा एक पतला सा स्टिक की तरह डाला जाता है और उसके थ्रू वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, क्योंकि उससे यूट्रस को और अच्छी तरह देखा जा सकता है और बहुत एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा सकती है कि प्रेगनेंसी की कहाँ है, क्योंकि अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी है, साइज बहुत छोटा होता है, तो कई बार एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो हम ऊपर से करते हैं उससे नहीं पता चलता है, तो ट्रांस वजाइनल भी हो सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही, क्योंकि सब महिलाओं की साइकिल 28 दिन की नहीं होती है, कुछ महिलाओं की साइकिल जो है 40 डेज की होती है, 45 डेज की होती है। कई बार फीमेल्स खुद भी वेट करती हैं कि चलो 5 दिन और देख लेती हूँ फिर टेस्ट करूंगी, तो इसमें क्या होता है कि कई बार 6 हफ्ते 7 हफ्ते तक का गर्भ पहुंच जाता है और इतना डिले हो जाता है, अगर आप तब भी जाकर अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगी और डिले करेंगी तो वो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है। और कई बार हम चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी हमें नहीं रखनी है, अनप्लान्ड होती है या अनवांटेड होती है, तो उस केस में भी अगर अबॉर्शन भी आपको कराना है तो उसको कराने के लिए भी जो मेजर्स हैं उनका भी ड्यूरेशन है कि आप दवाई से अबॉर्शन सिर्फ 8 हफ्ते तक के गर्भ को करा सकती हैं और उसके बाद के लिए आपको फिर सर्जिकल अबॉर्शन जाना पड़ता है। तो इन सभी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इमीडिएटली, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए और अल्ट्रासाउंड कराइए। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि क्या रीज़न है कि आपको अर्ली अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, उसे डिले नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिए। ये जो चैनल है ये टोटली बेस्ड है जिसमें आप पूरी प्रेगनेंसी और पूरी फीमेल लाइफ के ऊपर, जिसमें उसकी प्री प्रेगनेंसी से पहले की लाइफ, प्रेगनेंसी वाली लाइफ और जो मदरहुड की लाइफ है जिसमें बेबी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों की वीडियोस आपको मिलती हैं। और अगर कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहती हैं मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट भी कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच।